6 अगस्त और अभी घड़ी में बज रहे हैं 5। और फ्रेंड मैं बता दूँ आज मेरा बर्थडे है, तो मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि बस मम्मी का बर्थडे है तो चलो करना है, वो रात से ही बहुत ज़्यादा है। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आज तो मुझे बहुत ज़्यादा ही स्पेशल फील करा रहे हैं कि बस बाबा का बर्थडे है, बर्थडे हर 2 मिनट 4 मिनट में, बच्चों का तो आपको पता है और थोड़ा मेरे हस्बैंड का भी है, बस शुरू है तो अच्छा तो लगता है फ्रेंड, थोड़ा स्पेशल फील कराते हैं लोग तो। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड केक लेके आ गए, वो भी डाउट ही लग रहा था कि केक मिलेगा कि नहीं मिलेगा शॉप में, तो अभी तो केक आ गया है। और मैं किचन में बना रही हूँ पनीर की सब्जी, क्योंकि पनीर हमारे घर में सबको पसंद है फ्रेंड, तो मैं बोली कि चलो पनीर ही बनाती हूँ और बनाऊँगी पूरी। और पूरी के लिए मैं डो लगा के रख दी हूँ कि पूरी तो रात को जब खाएंगे तब बना दूँगी, और अभी पनीर बना रही हूँ, पनीर मेरा बन रहा है और मैं मसाले फ्राई कर रही हूँ, पनीर फ्राई करके आ गई हूँ। तो मैं सोची कि चलो आज बर्थडे तो एक ब्लॉग तो बनना ही चाहिए, तो अभी बना रही हूँ फ्रेंड, आप लोगों के साथ शेयर होना ही चाहिए बर्थडे व्लॉग तो। तो फ्रेंड अभी ऐसा माहौल है कि कुछ भी पार्टी वार्टी करने का उतना दिल नहीं कर रहा, और घर में रह रहे भी दम घुट रहा है, तो ऐसा कुछ होता है तो बच्चे कहाँ मानते हैं फ्रेंड। कब से 3-4 दिन पहले से ही शुरू थे कि पापा बस मम्मा का बर्थडे है, ये करना है वो करना है, उनको तो बस बहाने चाहिए। तो मैं बोली कि चलो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लगेगा ही, और अभी मैं बाद में बात करूँगी, अब मैं चलती हूँ पनीर में पानी डाल देती हूँ, मेरे मसाले फ्राई हो गए होंगे नहीं तो मेरे मसाले जल जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे बलून बर्स्ट करने में कितना अच्छा लगता है, तो मैं सोची कि आज मेरा बर्थडे है तो बस बलून तो बर्स्ट करना ही है। और फ्रेंड आज मैं बहुत बड़ा बलून बर्स्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग देखते रहे किस तरह बर्स्ट करूँगी। तो फ्रेंड मेरा बर्थडे है तो बलून बर्स्ट तो होना ही चाहिए, तो अभी तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ, हाथ पैर धोऊंगी, थोड़ा चेंज करूँगी, केक कट करूँगी तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, बच्चों को भी तैयार करूँगी और खुद भी तैयार हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं चेंज करके आ गई हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी चेंज करा दिया है, और जब तक मैं चेंज करने गई तब तक मेरे बच्चों ने सारे गुब्बारे को फुला लिया। बस एक बहुत बड़ा साइज का है, बहुत बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा है फ्रेंड, ये बहुत बड़ा होता है, तो वो नहीं किया, बोल रहा मम्मा मुझे डर लगता है, मैं बोली ठीक है मैं फुला लूँगी, मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है। तो जो ऊपर में था बस पहन के आ गई, और मेरे बच्चे भी इधर तैयार हो गए, आपको दिख रहे हैं ऐसे नहीं करते, हेलो बोलो, हेलो। तो ये लोग भी अभी तैयार हो गए और केक वेक भी लेके आ गए। इस बलून में मैं एयर डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ केक कट करने और फिर आपसे बात करती हूँ। तब तक इस बलून को फुला लूँ, क्योंकि मेरा बेटा डर रहा है, एक बार उससे ना फूट गया था तो उसे लग गई थी, तो इसीलिए बोला कि नहीं मम्मा आप ही इसे करो, तो मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं करते। फूट गया है तो प्लीज इसे बच्चे बिल्कुल ना फुलाए,
और मैं दूसरा ट्राई करती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे दुख रहा है यहाँ पे, तो मैं दूसरा ट्राई करती तो यहाँ पे दूसरा बलून आ गया और इसे मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी, लेकिन डर तो लग रहा है मुझे, बहुत जोर से लग गई। और मैं आपको अभी खोल के नहीं दिखा रही है, आज थोड़ा सा ही खोल के दिखा रही हूँ।
और मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंड, बहुत प्यारा कलर है इसका और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। फ्रेंड आप लोगों को ये साड़ी कैसी लगी जरूर बताइएगा और किसी ब्लॉग में आपको ये पहन के मैं जरूर दिखाऊंगी। और मुझे बहुत पसंद आया है और हस्बैंड के हाथ से गिफ्ट मिलता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बस इन्होंने सोचते हैं या कुछ देते हैं तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। किसी ना किसी ब्लॉग में ये पहन के आपको जरूर दिखाऊंगी और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये साड़ी। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को देने केक, उसके बाद में बनाऊंगी पूरी और फ्रेंड जब मैं पूरी बना लूंगी डिनर करूंगी तो फिर आपसे बातें करती हूँ। हमारा डिनर पूरी और पनीर की सब्जी और स्वीट मेरा और मेरे हस्बैंड का, ये है आज का डिनर। अभी मेरे बच्चों ने खाना खा लिया है तो मैं अपना और अपने हस्बैंड का लेके आ गई हूँ और डिनर कर लूँ फ्रेंड, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। बहुत नींद आ रही है तो बहुत थकान जैसा हो गया बच्चों के साथ, तो अभी डिनर कर लूँ फ्रेंड उसके बाद मैं बात करती हूँ। हमारा डिनर हो गया है और बस आज तो बहुत थकान लग रहा है और बच्चों ने तो थका ही दिया और बलून वलून बस्टिंग के समय तो बस थोड़ा ज़्यादा ही कर देती हूँ, बच्चों के साथ खेलने लगती हूँ तो बस ज़्यादा ही थक जाती हूँ। और बस फ्रेंड अब तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और अब मैं कुछ नहीं करूँगी, तो मेरे बच्चे अभी खेल ही रहे हैं, वो सोए नहीं है, बस अभी बलून्स लेके खेल ही रहे हैं। तो फ्रेंड बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूंगी और आप लोगों को आज का मेरा बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय।